हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है गरिमा ग्रोवर। आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड। यस, गार्लिक ब्रेड, वो भी फिलिप्स एयर फ्रायर के अंदर एंड जस्ट इन 4 मिनट्स। और गार्लिक ब्रेड भी ऐसी, शायद रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी, या पिज्ज़ा हट में भी आपने खाई होगी वैसी, या शायद उससे भी बहुत अच्छी। सो गाइज, आपको पता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन प्रेस करना है, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट भी करना है। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से, मेरा पर्सनल हैंडल है गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से। आप दोनों को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, सो दैट आपसे कोई भी अच्छी डील मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि इस गार्लिक ब्रेड को बनाने में, जो सिर्फ 4 मिनट्स में बनती है, उस गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जो मैं आपको वैसे पर्सनली एक एडवाइस करती हूँ कि जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम इंग्रेडिएंट्स आपको यूज़ करने हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वही चीज़ आपको यूज़ करना है, या जो जो वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रही हूँ वही वेजिटेबल्स आपको यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, घर में आपके पास इस टाइम कॉर्न्स अवेलेबल नहीं है, या आप कहते हो कैप्सिकम अवेलेबल नहीं है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जो आपके पास घर में अवेलेबल है आप उसी से बना सकते हो, क्योंकि फिलिप्स एयर फ्रायर में गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छी बनने वाली है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपके पास एक गार्लिक ब्रेड होनी चाहिए, जिसके बिना हम नहीं बना पाएंगे। गार्लिक ब्रेड एक मस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए मोज़रेला चीज़, जो कि आप अमूल या XYZ जिस भी ब्रांड का आप लेना चाहते हैं उसका ले सकते हैं। उसके बाद स्वीट कॉर्न, ये मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने ले लिया, आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है हमारा अनियन एंड कैप्सिकम, मैंने कंबाइन कर दिया इसमें, मतलब मेरा टेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है अनियन कैप्सिकम। अगर आप सिर्फ अनियन लेना चाहते हैं, सिर्फ कैप्सिकम लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। जो जो वेजीज आपको अच्छी लगती हैं वो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है बटर। बटर में मैंने क्या किया है, मैंने 7-8 गार्लिक के क्लोव्स लेके उसको क्रश करके उसके अंदर मैंने बटर को डिप कर दिया है। उससे ना एक बड़ा अच्छा अरोमा आता है गार्लिक का एंड बटर का। आप बना के देखेंगे, मतलब मैं तो अभी भी फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इसके अंदर। आप ट्राई करना। ये नॉर्मली ये सिर्फ मेरा आइडिया है कि मैं गार्लिक के अंदर बटर को डिप करके थोड़ी देर रखूँ, तो उसका फ्रेग्रेंस या अरोमा बहुत ही अच्छा आता है। तो उसके बाद हमें चाहिए ओरिगेनो, मतलब आपका जो हर्ब्स होते हैं, बेसिकली हर्ब्स हमें चाहिए, और केचप चाहिए उसके बाद हमें, वो लास्ट में जब हमारी बन जाएगी गार्लिक ब्रेड उसके बाद के लिए। तो चलो अब मैं आपको इसको कैसे प्लेस करना है मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने अपनी गार्लिक ब्रेड को किसी भी प्लेटर पे प्लेस करना है। सबसे पहले हम गार्लिक ब्रेड को एक प्लेटर पे प्लेस कर लेंगे। प्लेसिंग के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि फिलिप्स एयर फ्रायर में एक टाइम में 4 गार्लिक ब्रेड्स आप इजीली बना सकते हैं, 4 ही आएंगी, इससे ज़्यादा कोशिश मत करना वरना वो अंदर ही पलट जाएगा और सारी वेजिटेबल्स एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, 4 ही प्लेस करना आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटर के अंदर थोड़ा सा हर्ब्स मिला देंगे। आप ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, जो भी आप इसमें मिलाना चाहो आप वो मिला सकते हो। गार्लिक बटर जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था उसी के अंदर ही आप थोड़ा सा हर्ब्स को मिक्स कर दोगे तो वो और अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। बाहर मौसम बहुत ठंडा हो रहा है तो बटर थोड़ा सा हार्ड हो गया है। इनकेस आप इसको बिल्कुल मेल्ट करना चाहते हो तो 10-20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर सकते हो। अदरवाइज वैसे भी अगर ज़रा सा हम इसको मिक्स करेंगे तो ईजिली ये मेल्ट हो रहा है, बट अगर आप बिल्कुल इसको एक लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हो तो आप इसको 10-20 सेकंड्स माइक्रोवेव कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी ब्रेड्स के ऊपर बटर लगाना है। इस तरीके से आप इस पर स्प्रेड करेंगे। अब इस बटर में हमने क्या क्या डाला हुआ है, एक ओरिगेनो और वो गार्लिक। वैसे ब्रेड के अंदर अपना बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। सो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब चारों पे मैंने बटर लगा दिया है, इसमें हमने बटर और जो जो डालना था वो डाल दिया है। अब सबसे पहले हल्का सा नीचे चीज़ डाल देंगे। सो गाइज, ये चीज़ मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम ऐड करेंगे इसमें कुछ वेजीज। अब वेजीज मैंने ऐड कर दी, और आजकल सबको हो गया है कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ खाना है। जो भी लोग चीज़ लवर्स हैं
उसके ऊपर से एक बार चीज की छोटी सी एक लेयर हम और बनाएंगे, सो दैट वो जो चीज पुल आएगा ना उसमें गार्लिक ब्रेड में, मैं भी आपको बना के खा के दिखाऊंगी, टेस्ट करके दिखाऊंगी, आपको बहुत पसंद आने वाला है। मैंने अभी ये 2-3 दिन पहले भी बनाई थी अपने घर पे, सबको बहुत पसंद आई, तो मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। सो गाइज, ये हो गई है गार्लिक ब्रेड रेडी। अब जैसे ही आपका ये सारा सामान सेटअप हो जाएगा, आपने क्या करना है, एयर फ्रायर को ओपन करना है। एयर फ्रायर की बास्केट में हल्का सा बटर का ब्रश कर दोगे तो वो नीचे जो बेस है ब्रेड का वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। इस तरीके से आप इस पे ब्रशिंग कर दोगे तो हमारी गार्लिक ब्रेड का जो बेस है वो भी बहुत अच्छा क्रिस्प हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हम सिर्फ 4 ही ब्रेड्स रखेंगे एक बार में, तो मैंने भी 4 ही बनाई है। तो पहले मैं आपको प्लेस करके दिखा देती हूँ कि इसको आपने प्लेस कैसे करना है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसमें पिज्जा भी बना के दिखाऊंगी, तंदूरी स्नैक्स भी बना के दिखाऊंगी और बहुत कुछ बना के दिखाऊंगी। हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुंचाते रहें, उन्हें भी बताते रहें कि एक एयर फ्रायर में हम क्या क्या बना सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि अब मैंने इसमें ये प्लेस कर दिया है, अब हम इसको इसमें लगा देंगे। इसको ओपन करना बहुत ईजी है, इंसर्ट करना बहुत ईजी है। तो इसके नीचे एक बेस दिया हुआ है जो कि बहुत, जिसे कहते हैं ना, सॉलिड बेस है। आप इसको इजीली निकाल सकते हो, इजीली डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर। सो गाइस, जैसे आपको पता है मैंने इसके अंदर 4 गार्लिक ब्रेड्स प्लेस कर दिए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर फ्रायर को ऑन करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे कि लाइट जल रही है यहाँ पे, एक छोटी सी ऑरेंज कलर की। हम जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये एयर फ्रायर ऑन हो जाएगा। ये डिजिटल एयर फ्रायर है, फिलिप्स का 9252 मॉडल नंबर। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसमें हमें करना क्या है। आपने इसके अंदर इधर वाले जो बटन्स हैं ये है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए होते हैं, जिससे आप अपना टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि हर डिश को सेम टेम्परेचर नहीं चाहिए होता कुक करने के लिए। इसको गार्लिक ब्रेड को हम बनाएंगे 200 डिग्रीज पर, तो यहाँ से हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया आपका 200 डिग्रीज। और इसके टाइमिंग्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 मिनट्स में बनेगी ये, तो यहाँ से हम इसके टाइमर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से मैंने प्रेस कर दिया 4 टाइम्स, तो ये हो गया, 200 डिग्रीज भी सेट हो गया और इसका टाइमर भी सेट हो गया। अब कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ स्टार्ट करना है यहाँ से और आप फ्री हैं। जब तक ये गार्लिक ब्रेड बन रही है मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मॉडल है 9252, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाई है और इसके बेसिक फीचर्स भी बताए थे, और साथ ही साथ 9200 के बारे में भी बताया था जो कि मैनुअल वाला मॉडल है। ये डिजिटल है और वो मैनुअल है, तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। जब तक गार्लिक ब्रेड बन रही है मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने घर में गार्लिक ब्रेड बनाई थी। तो हम जब भी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो मेरी मदर कहती है मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। हम लोग नॉर्मली जैसे किड्स हैं तो सब हम लोगों को शौक है पिज़्ज़ा खाने का, तो मेरी मदर कहती है नहीं मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी, मैं गार्लिक ब्रेड ही खाऊंगी। तो जब मैंने उनको घर पे गार्लिक ब्रेड बना के खिलाई ना, तो मम्मी ने बोला कि एक ही चीज़ मैं बाहर जाके खाती थी वो गार्लिक ब्रेड को, और तुमने वो भी बंद करा दी क्योंकि बाहर से ज़्यादा अच्छी इसमें बन रही है। सबसे पहली बात, मतलब कॉस्ट अगर आप देखोगे ना घर पे तो कुछ भी नहीं आती। ये जो आप कॉस्ट देखोगे ना इस गार्लिक ब्रेड की, दिस इज़ अराउंड 60 रुपीज़, और 60 रुपीज़ में मेरे ख्याल से 15-16 पीसेज इसमें हैं गार्लिक ब्रेड के, और इजीली अवेलेबल है कहीं पर भी आप जाओ। जैसे आपके घर के पास कोई भी बेकरी है या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, बहुत इजीली आपको ये सब मिल जाएगा। इसमें हमने डाला क्या है, सब्जी जो कि हर घर में होती है, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, कॉर्न्स, जो है वो डाल दो, नहीं है तो सिर्फ प्याज डाल के बना दो, तब भी बहुत अच्छी बनेगी। और गार्लिक ब्रेड कहीं पर भी आप घर बैठे भी, आजकल तो इतनी ऑप्शंस आ गई हैं डिलीवरी की कि आप घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हो। ये तो हो गई हमारी गार्लिक ब्रेड। जब तक ये बन रही है मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आपको ये मैजिकल प्रोडक्ट फिलिप्स एयर फ्रायर को ऑर्डर करना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दिए हुए हैं, आप कहीं पर भी बैठकर, ऑल ओवर इंडिया बैठकर आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो within 2 hours कोशिश पूरी रहेगी कि मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर हम आपके घर पर एयर फ्रायर को डिलीवर करा दें। अगर आप बाहर रहते हैं, सपोज लेट्स से गुजरात, बॉम्बे, एनीवेयर, कहीं पर भी आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं, तो 5-6 working days के अंदर अंदर आपके घर पे हम ये डिलीवर करवा देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में भी कि इसकी वारंटी वर्ल्ड वाइड मिलती है आपको। फिलिप्स एक ऐसा ब्रांड है जो वर्ल्ड वाइड वारंटी देता है, बाकी सब ब्रांड्स पैन इंडिया में देते हैं लेकिन फिलिप्स वर्ल्ड वाइड वारंटी देता है, इसकी इंटरनेशनल वारंटी आती है। वेट करते हैं, देखते हैं कि ये 4 मिनट में क्या मैजिक होने वाला है। मतलब मैंने तो ये खाई हुई है,
बहुत अच्छी बनेगी ये गार्लिक ब्रेड, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स रह गए हैं। जैसे ही ये 10 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, टाइमर ऑफ हो जाएगा, तो इसमें एक बीप की साउंड आएगी। अभी आप देखना, जैसे ये 1 के बाद आपको मैं बताती हूँ कैसे बीप की साउंड आती है इसमें। थ्री टाइम्स ये बीप करता है। सो गाइज, ये बीप इसलिए करता है कि आप अपने घर में कहीं पर भी बिजी हो, किचन में या रूम में, वो ये कहना चाह रहा है कि आ जाओ और ये मैजिकल प्रोडक्ट जो हमने डिश बनाई है इसके अंदर, गार्लिक ब्रेड रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा अच्छी, वो कह रहा है कि आओ और मुझे खा लो, मैं तैयार हूँ। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर, इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि इसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है। अभी मैं आपको इसका क्रिस्प, मैं जो फील कर पा रही हूँ ना इस टाइम, इसकी फ्रेग्रेंस आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि इतनी अच्छी गार्लिक ब्रेड सिर्फ 4 मिनट में हम घर में बना सकते हैं। अब इसको और सुंदर बनाते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर हम हर्ब्स डाल देंगे। और मुझे पर्सनली आई एम अ केचप लवर, तो हल्की सी केचप, मन है आपका तो डाल सकते हो। कुछ लोग तो केचप यू नो पूरी गार्लिक ब्रेड को ही भर देते हैं, बट अपना अपना टेस्ट है, जैसे जिसको अच्छा लगे वैसे खाना चाहिए। अब मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाती हूँ। सो गाइस, ट्रस्ट मी, ये जो प्रोडक्ट है ना, इन 4 मिनट्स, मतलब एनी टाइम आप इसको कुक कर सकते हो। चाहो तो ब्रेकफास्ट में बनाना, चाहो ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, डिनर में खाना चाहो डिनर में खा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप देखो, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि ये रेस्टोरेंट से लाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छा बना है। शायद आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, आपको भी अभी लग रहा होगा कि मैं EBR को कॉल करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स में कॉल करूँ और ऑर्डर करो। जेन्युइनली, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो हम 2 मैक्सिमम 2 आवर्स में आपके घर पर डिलीवर करा देंगे और आप आज ही अपने किसी भी मील में इसको बना के खा सकते हो। सो गाइज, ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत मतलब बहुत अच्छी। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें और भी कुछ सीखना है, लाइक पिज्ज़ा हो गया, तंदूरी स्नैक्स हो गए, या डीप फ्राइड आइटम्स हम कैसे बना सकते हैं इसमें, आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आप क्या सीखना चाहते हैं इसके अंदर। मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी डिश की लेकर आऊं। तो आज हमने बनाई है गार्लिक ब्रेड, अब नेक्स्ट मेरा जो मन है ना, वो मैं शायद आपको पिज़्ज़ा बना के दिखाऊं इसके अंदर, या तंदूरी स्नैक्स भी बना के दिखाऊंगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स, मेरा पर्सनल हैंडल है गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से। आप सबको फॉलो करें सो दैट आपसे कुछ भी अच्छी रेसिपी या कोई अच्छी डील मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।